ओंकारेश्वर में सेल्दा तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। वहीं शनिवार शाम 6 बजे वॉल्व लीकेज हो जाने के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। समाचार लिखे जाने तक यहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा था। सेल्दा के निर्माणाधीन पावर प्लांट पर ओंकारेश्वर से सीधे पाइपलाइन के जरिए पानी भिजवाया जा रहा है। ग्राम बासवा की खिड़किया नदी पर बने वॉल्व में शनिवार को शाम अचानक लीकेज हो जाने से यह स्थिति बनी। ग्रामीण लाल सिंह गौड़ ने बताया कि पहली बार इस तरह की लापरवाही देखने में आई है, जिससे हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो गई। वहीं खेतों में खड़ी फसलों के साथ साथ हाईटेंशन लाइट के वॉल्व के समीप से गुजर रही है। गनीमत रही कि यहां कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। अभी पानी आई रहो यहाँ पर, ये देखो नहीं गिलो, ये देखो नहीं यहाँ तक पानी की झड़प यहाँ तक आई रही गिलो, एकदम 70-80 फीट होगा मगर है। ये टावर थी तो ऊपर थी, वो टावर लाइन है जो देखे नहीं यहाँ, फिर अभी ऊपर थी।